दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, जानना चाहते हैं भाई लोन लेना चाहते हैं, तत्काल लोन की जरूरत आ पड़ी है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं और 100% लोन ले सकते हैं। किसी तरह कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। सब कुछ बात करेंगे किस लेंडिंग पार्टनर के जरिए से आपको लोन प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों अब तक का ये सबसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन आपके लिए सबसे साबित हो सकती है। 1,00,000 रुपए तक का लोन आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल सकता है। 91 दिनों से लेकर 24 महीनों का समय मिल सकता है लोन भुगतान करने के लिए, और 2-3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करने वाली एप्लीकेशन ये आपके लिए साबित हो सकती है। तो आपको यहाँ पर 1,00,000 रुपए तक का लोन यानी पर्सनल लोन आपको ऑफर करी जा सकती है। एक बार फिर से आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई रजिस्टर्ड अप्रूव है, जो कि एनबीएफसी फॉर्म के तहत आपको लोन प्रोवाइड कराती है। मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लिमिट्स देखने को मिल सकता है। ये भी डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर के ऊपर। मिनिमम एनुअल परसेंटेज रेट के बारे में यहाँ पर बात करें तो मिनिमम 24% से लेकर मैक्सिमम 36% तक सालाना चार्ज किया जा सकता है। लोन रिपेमेंट करने का जो समय आपको मिलेगा वो भी जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 91 दिनों से लेकर 24 महीनों का समय देखने को मिल सकता है। ये भी डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर। प्रोसेसिंग फी की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 350 रुपए से लेकर 18% GST के साथ आपको यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, वो भी लोन अमाउंट से। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बाय द वे, अगर आप समय पर लोन का भुगतान नहीं करते हैं तो 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का बीच आपके यहाँ पर चार्ज लगने वाले हैं। बाय द वे, अगर आप 30 दिनों से लेकर 90 दिनों के बीच में अगर आप डिले करते हैं तो ऐसे में 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के बीच यहाँ पर ओवरड्यू चार्ज किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें इतना समझ चुके होंगे। तो एक तरह से आप इस एप्लीकेशन द्वारा अगर आप लोन लेते हैं तो EMI में ही इंस्टॉलमेंट के रूप में लोन को भर सकते हैं। 3 महीनों से लेकर 24 महीनों का समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। बाय द वे, अगर आपको यहाँ पर किसी भी लोन अमाउंट की अप्रूवल मिलती है तो ऐसे में सीधे अपने बैंक खाते में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि 24 घंटे भी यहाँ पर समय लग सकता है आपके बैंक खाते में लोन अमाउंट को डिसबर्समेंट करने में। अब ऐसे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पहले बात कर लिया जाए। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 22 साल से लेकर 59 साल के बीच है तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्ते ध्यान रखिएगा, आप अगर यहाँ पर सैलरीड पर्सन हैं तो 12,000 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर इनकम होनी चाहिए। तो दोस्तों लोन लेना बहुत ही आसान है इस एप्लीकेशन के जरिए से। दोस्तों अब यहाँ पर बात निकल गया थी किस एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है, तो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से लोन लेना काफी आसान है। कभी भी पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट आती है, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी, तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों जा सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा था नीरा एप्लीकेशन के बारे में। नीरा से आपको मिल सकता है पर्सनल लोन 5,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन। बस पर्सनल लोन ऐप को डाउनलोड करें, कुछ डिटेल्स फिलअप करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और पाए लोन अप्रूवल 24-48 घंटों के अंदर में 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। कहीं पेपर वर्क करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड होने चाहिए और बैंक स्टेटमेंट दोस्तों आपको यहाँ पर देने पड़ती हैं। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर मैंडेटरी है, जो कि आपको यहाँ पर देना ही होगा। ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा था नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर वाकई में पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है, तो एक बार इस जगह पर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आती है इनके लेंडिंग पार्टनर के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस हो गए, उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, लिक्विड लोन्स हो गए, फिनकैप हो गए जो कि बिजनेस लोन आपको प्रोवाइड कराती है, धनवर्षा हो गए जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यानी DFLs, OMLs, IFL फाइनेंस जिसमें कि आप सभी लोग जानते हैं, कोडूस फाइनेंस, सभी लोग इन लेंडिंग पार्टनर के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह के NBFC से आपको लोन्स दोस्तों यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। लोन लेना नहीं लेना वो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने एक रजिस्टर्ड फॉर्म के बारे में आपको डिटेल में बता दिया किस तरह से ये ऐप काम करती है और लोन आपको किस तरह से प्रोवाइड कराती है। 3 स्टेप में आप यहाँ पर घर बैठे लोन बड़े आसानी से ले सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन होंगे तो ही आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई करेगा, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, इसलिए मैं आपको लोन अप्लाई करके नहीं दिखा सकता। अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है, आपकी मिनिमम 12,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, तो भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर लोन्स के अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात बता दूं, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होने चाहिए और साथ साथ बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देने पड़ेगी, तो ये आपको यहाँ पर अप्रूवल मिलने का चांसेस बढ़ेगा। अप्रूवल मिल जाती है तो सीधे अपने बैंक खाते में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। 24 महीनों तक का मैक्सिमम लोन टर्म की सुविधा मिल सकता है और आप उसे इजी ईएमआई इंस्टॉलमेंट के रूप में लोन को भुगतान कर सकते हैं और सिविल स्कोर को बिल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।